चक्कर यहाँ से गिरेगा फिर टूटे टूटे हो जाएगा। चपेड़े में पानी इधर जोर जोर से मुंह पे हर तरफ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एक्चुअली दो हो गए इसलिए मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते। बाय द वे गुड आफ्टरनून एंड होपफुली सारे ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे ये कुल्फी वाले सीजन को। पीछे से एक बालू नज़र आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, हम उसको कट 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 करते। वी आर गोइंग, किधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं व्यूअर्स, ये देखें कोड़ा पड़ा है यहाँ पे और कोड़े के साथ साथ बर्फ भी है, वट एवर ओस कोड़ा। हम ट्रेन स्टॉप पे जा रहे हैं जी चल के, फिर वहाँ से आके सिटी की ट्रेन पकड़ेंगे और बाजार जाएंगे बाजार। हाँ जी, ठंड इतनी शिद्दत की है तो मेरे तो हाय नाक में पानी आ रहा है सर्दी की वजह से, नाक में भी आंखों में भी, और ठंड इस तरह से लग रहा है जैसे चपेड़े में पानी इधर जोर जोर से मुंह पे हर तरफ। सो गाइस, रात काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही थी और अभी तो हाई इतनी नहीं है क्योंकि गल गई है, पर रात को काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी इसलिए जो दो चार दिन है ना इन दिनों में ठंड जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है। और आपको तो पता ही है ठंडे मुल्क के हैं और अब बंदा ठंड को दिखता रहे और बाहर ना निकले फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठंड तो यहाँ पे 5-6 महीने आराम से पड़ती है अच्छी खासी, बस अपना बंदोबस्त करना पड़ता है। काम तो फिर साथ साथ ही जो करने हैं, जो चीज़ें लेनी होती हैं और भी हज़ार चीज़ों की ज़रूरत होती है, सो इसलिए और मैं आपको दिखाती हूँ। हम अभी यहाँ पे पहुँच आए, ट्रेन स्टॉप के पास पहुँचने वाले, थोड़ा ट्रेन स्टॉप के पास पहुँचने वाले और यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और मेन सिटी के अंदर जाएंगे, फ्रैंकफर्ट का सबसे जो बड़ा और मेन सिटी है वहाँ पे। तो हम भी आपको दिखाते हैं फिर यहाँ पे सारी चीज़ें। और मेरी तो वैसे ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं अपने YouTube फैमिली या मुझे देखने वालों को, मुझे सुनने वालों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन कर सकूं। सो स्टे विद मी। ट्रेन हमारे पीछे आ रही है और हम भाग रहे हैं क्योंकि हमने ट्रेन को पकड़ना है वरना फिर लेट हो जाएंगे 10-15 मिनट के लिए। सो वो ज़्यादा नहीं, बस ये देखें ट्रेन यहाँ से आ रही है और हम जल्दी करो, इशारा लगा हुआ ट्रेन रुकी हुई है, जल्दी करो जल्दी, लगता नहीं हम पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। ट्रेन आ रही है, ओके ये ट्रेन आ गई और हम जल्दी जल्दी से टिकट निकाल रहे हैं ताकि ये ट्रेन हमसे नहीं छूटे। ये देखें यहाँ पे, जल्दी करो अभी इशारा लगा हुआ है, अभी ट्रेन रुकी हुई है, इंशाल्लाह हमने पकड़नी है ये इंशाल्लाह। या बस टिकट निकल रहा है सो वरना लेट ना हो जाए। अच्छा वो टाइम पे पहुंच गए हैं वरना ट्रेन छूट जाती। हम टैक्सी ले लेते हैं। हाँ टैक्सी नहीं ना लेते, टैक्सी वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना। आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे, टैक्सी ले ले, ले लेते टैक्सी, चलो पैसे आप दोगे ठीक है, ओके कितने पैसे मेरे पास, कितने पैसे मेरे पास मामा, बहुत है मामा कह रही है माशाल्लाह बहुत अमीर है, ज्यादा पैसे हैं। मामा जब फोन में बातें करती है उस वक्त बोलती है हम गरीब। जब मामा फोन में बातें करती है फिर क्या बोलती है, हम गरीब, हम गरीब है। ये जी यहाँ पे पोल खोल रहा है बच्चा इसलिए मैं कैमरे को हटा रही हूँ। सो जी व्यूअर्स, हम कामयाब हो गए और हमने ट्रेन को पकड़ लिया,
बस बात बात की। इस तरह मैं लोगों को चलो ट्रेन का सफर करवा देती हूँ, ट्रेन के मजे भी ले लेती हूँ। और ये देखें आप नीचे नजर आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा ठंड है और कितनी ज्यादा पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं आप, जिन लोगों को कोई यूरोपियन ट्रीज देखने का शौक है वो आप देखें जी यहाँ पे क्या कुछ है। वैसे मेरी नज़र में तो कुछ ठीक ही है, बस जो हमारे पाकिस्तान इंडिया जो कंट्रीज हैं वो तो वहाँ पे तो आपको पता है ओपन माहौल होता है, ओपन ही सारा कुछ होता है। हम लोग ऐसे आज़ाद पंछियों की तरह जीने वाले लोग हैं और यहाँ पे तो बस रूल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हर जगह पे अपने रूल्स इनके होते हैं। इवन आप कह सकते हैं कि बस बंदा एक पूरी तरह से जो है ना बाउंड हुआ होता है, और हमारी कंट्रीज़ में ना हम थोड़े आज़ाद पंछियों की तरह जी रहे होते हैं, खुलम खुला, नो टेंशन नो परेशानी। लेकिन यहाँ पे हमको मस्त जो है ना रूल्स को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि ये हमारी मजबूरी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दन वो हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। हरीम जल्दी जाओ हरीम, यस वी आर क्रॉसिंग द रोड एंड देन सो जी फाइनली हम सिटी के अंदर पहुंचे हैं। और बस कैसे पहुंचे ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह से बागम बाग और फिर पहुंच के। चले आगे देखते हैं कैसा सफ़र गुजरता है। इधर सी हो गया जी, इट्स ओपन, इट्स ओपन एंड वी आर हियर। तो जी हम यहाँ पे खड़े हैं और हम वेट कर रहे हैं मेरी कज़न का, क्योंकि वो गई है टिकट्स कंफर्म करवाने के लिए, क्योंकि ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान नेक्स्ट वीक में। सो वो अपनी टिकट्स का पता करने के लिए गई है और मैं इधर बाय बच्चा पार्टी के साथ। ये टीम में मेरे जुम्मे छोड़ के गई है। सो जी हम सबसे पहले इस शॉप में जाने लगे हैं से उड़ा यानी सी एंड ए, तो यहाँ से हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और मैंने बच्चों की चीज़ें देखनी। यहाँ पे आए हैं सबसे पहले
और लगा हुआ तो सारी जगहों पे है सेल सेल। लेट्स सी ये सेल हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होती है। सो हम देखते हैं जी, चेक करते हैं। ये है जैसे कि इस पे 30% है ब्लू वाले पे, और ये भी ठीक है लेकिन कलर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है जी। वेट करो, वेट में कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे गर्ल्स कलेक्शन कितनी नाइस है। वेरी नाइस, बच्चा पार्टी एंजॉय कर रही है। ये मुंह के साथ नहीं लगाओ, ऐसी गंदी होती है मुंह के साथ। पानी डाल देते हैं। अच्छा पानी अभी लेते हैं ना, फिर इसको रख दो। अच्छा आपने कुछ लिया अपने लिए? सिर्फ सोने वाले कपड़े खाली लिए, वो क्यों? कुछ ले लेते ना, कुछ ले लेना था ना आपने भी अपने लिए। ये देखें जी मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, कितनी ज़्यादा खैर इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जब बिल करवाएंगे तब पता चलेगा कि ये कितनी ही ज़्यादा है या कितनी थोड़ी हैं। वेखो जी तुम्हारी भैन लदन की है, और यहाँ पे ये देखें चिल हो रही है, चिल क्या दरी लेनी है। अच्छा ले लेते हैं फिर थोड़ी देर तक। ये लो अपने मेरा था भी आज, कुछ हो ना हो ये इन बच्चा पार्टी को देखें, इन्होंने क्या ड्रामा लगाया रचाया हुआ है। ये प्ले ग्राउंड बनाया हुआ तुम लोगों ने। हरीम इतजा वापस आ जाओ, पानी पीना। हाँ। चलो देते हैं। अच्छा आपको भी प्यास लगी है? नहीं मुझे लगी है। अच्छा आपको लगी है? नहीं जाना, आराम से गिरने जाना। चलो हाला की तरफ बोलो, चलो हाला आ जाओ। ये लड़की जो मेरे साथ आई हुई है ना, मुझे लगता है ये पूरी शॉप जो घसीट के लेके जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बच्ची की रेडी को, आप देख सकते हैं नीचे से किस तरह हमने फूल की हुई है। एक दफा हम काउंटर पे से चीजें ले चुके हैं। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आए हैं जी फ्रैंकफर्ट मेन सिटी के अंदर, और यहाँ पे जगह का नाम है जी माई साइल। ये एक शॉपिंग सेंटर है, ये आप देख सकते हैं सारी शॉप्स हैं यहाँ पे ना, तो रश यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सो मैंने सोचा चलो सरसरा से दिखा देती हूँ आप लोगों को, और यू कैन सी इतना यहाँ पे सारे लोग जो है ना इधर ही आके इकट्ठे होगी। सो व्यूअर्स हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, मैंने बच्चों की चीज़ें ली हैं, और अब हम आगे जा रहे हैं, आगे से देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है अभी तो, साथ साथ अंधेरा भी हो रहा है। हाँ जल्दी से अंधेरा छा रहा है, इसलिए हम ज़रा जल्दी जल्दी से कर रहे हैं ताकि बच्चे साथ हैं, और जो है ना अंधेरा पड़ने से पहले हम फ्री हो जाएं, एंड देन देखते हैं शॉपिंग कंप्लीट हो जाए फिर किधर खाने का भी कुछ करना है, कोई खाना पीना भी करना है। लेट्स सी क्या मिलता है और क्या होता है। आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे। ये बोल रही है कि मुझे बलून चाहिए, बट हम बलून नहीं ले सकते क्योंकि ठंड बहुत है, किधर पकड़ेगी उसको। यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक चल रहा है, बल्कि मुझे लगता है ये अभी क्लोज कर रहे हैं क्योंकि शाम पड़ रही है। कितना आगे है?
पास ही है। हम यहाँ पे खाने वाली जगह पे जा रहे हैं, ये फूड टोपिया। ऐसे तो मैं भी पहली दफ़ा जा रही हूँ, देखते हैं यहाँ पे हमारे खाने के लिए हमें क्या मिलता है। वी आर वेटिंग फॉर लिफ्ट एंड नाउ इधर देखें, ये बच्चे जो है ना बस थोड़ा सा चलते हैं और तंग पड़ जाते हैं। आजा खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, नहीं खुल रही, खुल ही आती है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश है। दैट्स व्हाई। ये जी हम खाने वाले फ्लोर पे आ गए, यहाँ पे बस सारी खाने वाली चीज़ें हैं। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, थक गई हो, आओ खाना खिलाते हैं, इधर आओ आ जाओ कुछ खाते हैं। यहाँ पे देखते हैं शायद हमारे लिए कुछ हो। तो जी हमने ये यहाँ पे ऑर्डर किए, ये जी समोसा चाट हल्का फुल्का अभी फिलहाल, और ये बच्चा पार्टी जो है ना फोमस खा रहे, फ्राइज खा रहे, फ्राइज। तो जी हमने यहाँ से खाना शाना खा लिया, आई मीन चाट वगैरह खा ली है, और आप इधर से निकलने लगे। क्या हुआ, सॉरी। यहाँ पे देखें ये हमारी क्यूटी क्या कर रही है, हुई हुई सुनो, सना सना सोनू, अभी इसकी भी आँख खुल के नीचे बैठो, आगे जाना जल्दी को, लिफ्ट में जाना, बैठो बैठो, चल चल बैठ बैठ। अगर यहाँ से गिरेगा फिर टूटे टूटे हो जाएगा है। हाँ जी हम नीचे बेसमेंट से अभी दोबारा चौथे फ्लोर पे आए हैं क्योंकि बच्चों ने काफ़ी शोर डाला और हमने आइसक्रीम खानी है। सो अभी हम यहाँ पे आए हैं, इनके लिए आइसक्रीम लेते हैं, साथ में मेरा भी काफ़ी दिल कर रहा था आइस खाने का। बच्चा पार्टी खुश हो गए हो, देती हूँ आपको, देती हूँ आपका ऑर्डर किया हुआ, वेट कर लो। फरियाल की, ये फरियाल की आ गई है, ये लो फरियाल, बैठो पीछे होके बैठो, वाओ बोलो वाओ मम्मा। बस एक ही शॉप का विजिट किया है जी, तो बाहर निकले और देख लें कितना अंधेरा हो गया। सो पेन सो जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक शॉप है लेडीज कपड़ों वाली, सो अभी हम इधर आए। सो मैं ऊपर वाले फ्लोर में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे तो कुछ पसंद नहीं आया मेरे, मतलब कि यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं मिली। ये जी रात के 8 बज रहे हैं और हम अभी भी इधर घूम रहे हैं, बस हमने कोई शटर डाउन करवाने हैं सारी शॉप्स के, तो फिर इंशाल्लाह हम वापस जाने वाले हैं क्योंकि अभी जो है ना शटर डाउन ही रह गया और तो कुछ नहीं बचा। 8 बजे तो वैसे भी सारा कुछ नॉर्मली क्लोज हो जाता है। ही इंतजार हरीम, अभी इधर अंदर जाते हैं फिर वापसी। ये बच्चे जो इसकी कॉपी कर रहे हैं, यस ये देखें ये छोटे छोटे शरारती बच्चे मैं साथ लेके आई हूँ, इनके ड्रामे देखें। कम यस। सो जी फाइनली हमने शॉप्स बंद करवा दिए और अब हम घर जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं।
बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। ये देखें बच्चा पार्टी, और जितना इन बच्चों ने तंग किया है बस ना पूछें, भागते इतना ज़्यादा आवाज़ें दे दे के मेरा तो मुंह पक गया है। हरीम इर्तज़ा कर कर के, और फाइनली अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। हम क्या यहाँ पे सारे लोग ही वापस जा रहे हो, अब सिटी पूरा बंद हो रहा है, सो हम सबको जाना पड़ेगा। ये देखें इन लोगों, इन बच्चों के काम देखें, मतलब पहनो तो पढ़ाओ, निके हो तो बड़े हो, सोने हो तो मनमोहने हो, ये देख लो जी सब। आज के दिन भी हमने काफ़ी शॉपिंग की है, काफ़ी धक्के धुक्के खाए हैं, और आपको तो पता है औरतों के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट होती है शॉपिंग, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी आज फिर से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एंड काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, और टू होप आप लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। एंड वन मिनट, मेरे हस्बैंड की बीच में कॉल आ रही है, आई हैव टू अटेंड। सो जी हम अभी काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए हमने अभी वापस ट्रेन पे नहीं जाना है, और हम इधर खड़े हैं और वेट करें, क्योंकि अभी बच्चों के साथ ट्रेन में धक्के नहीं खाने होते, सो इसलिए अभी हम गाड़ी पे जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इतनी स्ट्रगल के साथ हम वीडियो को शूट कर रहे होते हैं, साथ बच्चों को लिया होता है इतनी ठंड में। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी, एंड वी विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं, अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं, अभी तो आपको एक लास्ट सीन दिखाना है जब गाड़ी वाला बंदा आएगा फिर, एंड देन वी विल सी यू, बाय बाय। ये देखिए मेरे हबीबी साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ओहो, ये नाराज है, आपने इसको दो दिन से मुंह नहीं दिखाया। चलो ओके, बंदा ऐसा गरीब ना भी मिली किन्ना भाई, ऐसा भी तुसने कुछ कोई रिश्तेदारी है ऐसा भी तुसने लला। हेलो, ये हमने टैक्सी वाला बंदा मंगवाया, देखिए कितनी बड़ी कार आपके लिए। यस यस, ये हमारे लिए आई है बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी। चलो, हेलो जी। हाय जी।